हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के केमिस्ट्री के 3 इयर्स पेपर को, जिसमें नीट 2023 के पेपर होंगे, नीट 2022 के पेपर होंगे और फिर नीट 2021 के पेपर होंगे। ये तीनों पेपर्स रियल नीट क्वेश्चंस है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से नीट 2023 के 50 क्वेश्चन होंगे, फिर नीट 2022 के 50 क्वेश्चन होंगे, फिर लास्ट में नीट 2023 के 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में हमेशा लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और अगर आपने बायोलॉजी वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, क्योंकि हमने नीट 2021, 22 और 23 मतलब कि 3 इयर्स के पेपर्स बायोलॉजी वाले कवर कर लिए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। दिस इज आवर नीट 2021 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हम नीट 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नीट 2022 वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इन 215 ml ऑफ द वाटर, जिसको हम P1 से लिख दिए, एंड 10 ग्राम ऑफ द यूरिया, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है इन 250 ml ऑफ द वाटर, P2 इसके लिए लिख दिए, एंड फिर हो गया 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है, और उसके लिए फिर 250 ग्राम ऑफ द ml ऑफ द वाटर इज P3, मतलब P1, P2 एंड P3 के रूप में इसको लिखा हुआ है, ओके। फिर है द राइट ऑप्शंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का होगा, उसके बाद फिर आ जाइए ग्लूकोज का होगा, और तब जाकर के लास्ट में किस चीज़ का होगा, सुक्रोज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले P2 हो जाएगा, फिर P1 होगा, फिर P3 होगा, ठीक है। तो P1 इज ग्रेटर दैन P2, P2 इज ग्रेटर दैन P3, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर द मोल ऑफ द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू CP - CR, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोक्लोराइजेशन रिएक्शंस ऑफ द 2-bromopentane इज pent-2-ene, एंड दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, द राइट आंसर इज सर्टिफिस रूल, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे रूल फॉलो होता है, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट एंड कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शंस फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एटॉमिक वेट ऑफ द कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही आप किस चीज़ का निकालेंगे, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो आपका यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो यहाँ पे है ZR, मतलब कि Z इज इक्वल टू 14, यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर, एंड HF इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू यहाँ पे अब 72 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड हैव सिमिलर एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, द राइट आंसर इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शंस, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा मेटल डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस के, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, Cr2O3+2Al, एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या टूटता है, मतलब कि इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये टूट जाता है Al2O3 में और +2Cr में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, द राइट आंसर इज चैन एंड डिमर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, मतलब कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, सो द राइट आंसर इज मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथिलीन मतलब कि EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट, ठीक है। EDTA आयन जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो होता है वो एक प्रकार के हेक्साडेट लिगेंट होते हैं विद
4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ठीक है, जब भी आपको EDTA के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे जो भी हेक्सा डेंटेट लिगेंट होंगे उसमें चार जो होंगे ना 4 ऑक्सीजन होंगे और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस कंसेप्ट याद कर सकते हो। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ए पार्टिकुलर स्टेशंस ऑफ ऑल इंडियन रेशियो एंड नई दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ यहाँ पे 1368 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट बाय द ट्रांसमीटर इज, तो स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे मतलब फॉर्मूला दे दिया गया। जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे किलोहर्ट्ज को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 219.3। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिव एज द HF SF इज ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही बात है। फिर HBr NHI, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो इंक्रीज द डाउन ऑफ द ग्रुप एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF एंड HCl HBr एंड HI डिक्रीजेज एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, द राइट आंसर इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नोबल गैसेस आर नेम बिकॉज ऑफ देयर इंटरनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दैम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, नोबल गैस के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नोबल गैस हैव वीकर डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल सही है, वीक होता है। उसके बाद नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी इंथैल्पी, सही है। अगेन नोबल गैस हैव स्ट्रेंगली सॉल्युबल इन द वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन है इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर, ये जो है ये प्रकार के मेजर्स प्रोडक्ट हैं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमो लगा हुआ है, बाकी सब में मिथाइल है लेकिन यहाँ पे क्या है ब्रोमो है। ठीक है, सो आयोडो क्लोरो ब्रोमो जो भी अगर आपका ऐड हो गया तो वो सबके सब मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेजर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड HCH3COONa एट द इनफाइनाइट डाइल्यूट आर 126.45 एंड 426.16 एंड 91.6 सेकेंड सेंटीमीटर एंड मोल इनवर्स, सो रिस्पेक्टिवली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द डैश इनफाइनाइट एंड डाइल्यूशंस ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द कंपाउंड विच सो मेटामेरिज्म इज, अब आपको बताना है कि वैसे कंपाउंड का नाम बताना है जो मेटामेरिज्म शो कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले C3H8, तो C3 के बाद H8 आ गया, O आ गया, तो ये जो है ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रोप को मतलब कि प्रोप नहीं हो सकता। ठीक है, ब्यूट आना चाहिए था। ठीक है, अगेन फिर ये 3 वाला गलत हो गया, 4 वाला सही है, ब्यूट आना चाहिए था। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज, तो राइट आंसर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड F इज ग्रेटर देन CH3 माइनस CL इज ग्रेटर देन CH3 माइनस BR इज ग्रेटर देन द CH3 माइनस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसका क्वेश्चन अभी हमने नीट 2022 में भी देखा था। अगर नीट 2022 वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के PYQ वाला प्ले लिस्ट मिलेगा और वहाँ पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। सो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, विच शो अ ग्राफ ऑफ प्रेशर्स वीएस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, द राइट आंसर इज 3। ओके, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर, द राइट आंसर इज 3, 12 एंड 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, स्प्रीन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरोसोटिक एनालॉग्स, नहीं ये जो है ना स्प्रीन और पैरासिटामोल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर्स नहीं होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब कि पेनकिलर आता है। ठीक है, अगेन फिर मॉर्फिन एंड हीरोइन
आर नॉन नैरोकोटिक एनालिटिक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉर्फिन और हीरोइन जो होते हैं वो नॉन नैरोकोटिक नहीं हो सकते, नैरोकोटिक एनालोगस होता है, ठीक है। मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया, सो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द इथेनिस, सो द राइट आंसर इज 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। जब भी आपको डीहेड्रल एंगल्स की बात की जाएगी तो आप 0 डिग्री लगाएंगे किस चीज़ के लिए, लिस्ट स्टेबल ऑफ द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन के लिए, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू ऑप्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो द राइट आंसर इज टू डिस्टिलेशन, ठीक है। अगेन फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैचिंग करना है आपको। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू में क्या मैचिंग करना है, तो PCl5 जो होता है उसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से मिला देंगे, ठीक है। अगेन फिर SF6 को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ऑक्टाहेड्रल को। फिर BrF5 को हम यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल से मिला देंगे, पैरामिडिन अडल। अगेन फिर BF3, अब BF3 जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइगोनल प्लैनर। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन, इमिट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, सो द राइट आंसर इज बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ द प्रिपेयर्ड बाई द एडिशंस पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेफलिन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल NCERT का लाइन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वट इज़ द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए IUPAC नेमिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2-methyl-butane and 2-ol, ठीक है, दिस 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द RBC डिफिशियंसी इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ, अब देखिए RBC की डिफिशियंसी किससे क्या होगा कि वहाँ पे खून की कमी हो गई, इसे खून की कमी मतलब कि विटामिन B12, मतलब एनीमिया, ठीक है। तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंडर्सबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, ओके। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मेटल्स हैलाइड्स 1 एंड विच ऑफ द कोवेलेंट एंड स्टेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द राइट आंसर इज बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4-ईन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ द ब्रेवियस लैटिस यूनिट सेल इज, तो यहाँ पे 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस है, तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट, अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देखना है। जैसे कि यहाँ पे है टाइडल्स इफेक्ट ऑफ द एग्जिबिटेड बाई, तो टाइडल्स इफेक्ट किस में आता है, स्टार सॉल्यूशंस के इंटरनली आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है, कि स्टार सॉल्यूशंस के इंटरनली कौन सा इफेक्ट आएगा, तो टेंडल्स इफेक्ट आएगा, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द PKB ऑफ द डीमिथाइल एमीन एंड PKA ऑफ द एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली, दोनों का दोनों बिल्कुल सिक्वेंशियल दिया गया है, जैसे कि टी एंड इसको पोटेशियम ले लिया, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ pH ऑफ द डाइमिथाइल ऑफ द एमोनियम एसिटेट सोल्यूशन, तो जब आपका रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे 4.37 हो जाएगा एंड फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BF3 इज प्लानर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली, दिस इज SP2 एंड द 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे BF3 दिया गया, तो BF3 तो SP2 में आएगा, है ना, और उसके बाद इसके इंटरनली कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड होंगे, तो 6 होंगे। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस, तो यहाँ पे अप टू 2200K, ठीक है, मतलब कि 2200K तक हो सकता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फॉर अ रिएक्शंस ए, अब इसको ना यहाँ पे रिएक्शंस बताना है कि ए से बी तक में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 केजी मोल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशंस ऑफ द 9.6 केजी पर मोल. द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शंस इज शो इन द ऑप्शंस. सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट प्रोग्रेशन. और आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि सबसे पहले क्या चीज़ बताया गया आपको, माइनस में बताया गया ना, तो माइनस में करने के लिए आप यहाँ से स्टार्टअप करेंगे और फिर ये पिक जो होगा वो लो होता जाएगा इसके जस्ट नीचे तक, ठीक है. लेकिन इस वाले में क्या है कि बराबर बराबर है, इसमें ऊपर में ही है और इसमें भी ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही होगा, ठीक है. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. सो अब तक हमने 14 मिनट के इंटरनली 35 क्वेश्चंस कर लिया, अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को करेंगे, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है. अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि इस ऑप्शंस को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, जब भी ट्राइपोफिक पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्राइपोफोरिक जो पॉल्यूशंस होगा तो उसके इंटरनली यहाँ पे SO2 भी आएगा, SO3 भी आएगा, स्मोक और उसके बाद O2 भी आएगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यहाँ पे 1 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ पे HOCl जो है, मतलब कि यहाँ से जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो OH+Cl में कन्वर्ट होगा, ठीक है. तो ये एक प्रकार का ओजोन डेप्लेशन है. जब भी आप बायोलॉजी में ओजोन डेप्लेशन पढ़ेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ये रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, ठीक है. उसके बाद CaCO3 एंड H2SO4, ठीक है. अगेन फिर इसका हम जब तोड़ेंगे तो CaSO4 प्लस, जब इसको बैलेंस किया जाएगा तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा. दिस इज द एसिड रेस, मतलब कि यहाँ पे एसिड रैन इज द राइट आंसर, ठीक है. मतलब कि 4, 3, 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अगेन आते फिर मैचिंग यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि मैच करना लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि आपको बेंजीन दिया गया और CO, मतलब कि इसका रिएक्शन CO और HCl के प्रेजेंस में करवाया गया, तो ये क्या, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, तो उस रिएक्शंस को यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेफरमैन कोच रिएक्शंस, ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं. जैसे कि ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्शंस क्या कहलाएगा, हेलो फॉर्म ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है. तो राइट आंसर यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है. द इंटरमीडिएटेड कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन द नेचर. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर नेचर को शो कर रहा है, ठीक है. तो नॉन पोलर कौन से हो सकते हैं, H2SCH2O, ये तो सही है. उसके बाद SbCl2 जो होंगे वो एक प्रकार के नॉन पोलर रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर 2 ही होगा. बाकी ये जो होता है ये पोलर रिएक्शंस को शो करता है, पोलर नेचर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा. अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. CH3CH2CONA+, ठीक है. अब यहाँ पे जब इसको रिएक्शंस करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो CH3CH2+NA2CO3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है. अब आपको बताना है, कंसीडर द अबव रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे हुआ है ऊपर में, एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट केमिकल. अब आपको बताना है कि कौन से मिसिंग रिएजेंट यहाँ पे हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको CH3CH2COCOO NA दिया गया है, ठीक है. अब इसके इंटरनली आपका CH3 बन गया, CH2 बन गया, लेकिन फिर CHO भी तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे O है, O3. अब जैसे कि यहाँ पे OO है ना, और फिर यहाँ पे 3O हो गया, तो एक सिंगल O तो कंप्लीट आपका बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे CaO इज द राइट आंसर, ठीक है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In which one of the following arrangement of the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा, जो भी रिएक्शंस है उसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग PKa वैल्यू. तो PKa वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकता, ये डिक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. ठीक है, अब आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है. तो सबसे पहले Na के साथ Mg प्लस मिल गया, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. Mn टू प्लस के साथ Fe थ्री प्लस मिल गया, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लेकिन इसमें डबल डबल मिल रहा है ना, दोनों का दोनों सेमी सेमी कन्फिग्रेशन मिल रहा है, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन एक जैसे कि सेम सेम नहीं होना चाहिए आपका, जो भी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो सेम सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक प्लस है तो यहाँ दो प्लस हो गया, यहाँ पे दो प्लस है तो यहाँ थ्री प्लस हो गया, यहाँ पे दो माइनस है तो यहाँ पे सिंगल माइनस हो गया. मतलब कि हमेशा ये वाला बड़ा होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार के आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकते. आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब सेम सेम होना चाहिए, नहीं. ठीक है, अगेन आते हैं, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. तो आपको जो भी केमिकल रिएक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका होगा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शंस हुआ उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बना, फिर जाके ये प्रोडक्ट बना. अब यहाँ पे जो भी मिसिंग प्रोडक्ट है वो CH3CH2NOH होगा. ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है. जैसे FeCN6 का पावर -3. ठीक है, अब इसको हम किस चीज़ से मिक्सअप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, मतलब 4, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 degrees centigrade एट विद द बेंजीन ऑफ ऑक्टामर इन द मोलर रेशियो इज 3:2 इज. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है. 336 mm ऑफ द HC, जब आप इसका मिक्सअप करके फॉर्मूला लगा के इसको बनाएंगे तब आपका आंसर सही आएगा. ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्लोप ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर क्या होना है. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जिसको आपको खुद से बनाना है, और खुद से बनाने के बाद आपको कमेंट में आंसर बताना है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल रट्टू क्वेश्चन है, कि यहाँ पे क्या है, द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा यू 0 हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल जो होते हैं वो 0 के इक्वली नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें दोनों का दोनों नॉट इक्वल कह रहा है, इसमें एक इक्वल नहीं हो सकता लेकिन एक इक्वल है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है कि डेल्टा यू 0 होते हैं, आपको भी पता है, ये रट्टू क्वेश्चन है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर्स इन एटीएम इन अ मिक्सचर्स ऑफ 4 ग्राम O2 and 2 ग्राम of H2. ठीक है, अगेन फिर कन्फर्म द टोटल वैल्यू ऑफ द 1 लीटर एट 0 degree centigrade इज. सो द राइट आंसर इज 25.18 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपको बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटली का टोटली सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो भी रिएक्शंस दिया गया, जैसे कि यहाँ पे आपका सिंपल सा एक क्वेश्चंस दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर बताना है. तो सबसे पहले इस वाले प्रोडक्ट का जब हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 100 questions अब हमने पूरे कर लिए हैं. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 mm एसिटिक एसिड इज 22 cm² per mole एंड वट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड. चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है. जैसे कि इस वाले रिएक्शन को देखेंगे आप और इस वाले रिएक्शन को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आपका राइट आंसर 1.75 × 10⁻⁵ mole per liter आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को हमने बारी बारी से कवर कर लिया है, जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे गए थे. काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो नीट 2024 में रिपीटेड होंगे. ठीक है, तो फिर इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आई होप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया होगा. जैसा कि आप लोगों ने नीट 2021 का पेपर काफ़ी अच्छे से कर लिया है, अब हम स्टार्ट कर देंगे अपना नीट 2022 के पेपर को. ठीक है, तो जैसे हमने नीट 2021 के पेपर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसी प्रकार हम नीट 2022 के पेपर को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे.
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सेक्शन ए में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि 50 तक जो क्वेश्चंस था वो फिजिक्स के थे। ठीक है, अगले वीडियोस में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपने बायोलॉजी वाले सेशन की एक भी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए केमिस्ट्री के ना एक लॉजिक मैं बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है और उसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादातर सही है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे है द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस O2 एंड O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है, आर द 2.5 टू 1.5 एंड 1 एंड रिस्पेक्टिवली। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जैसे ये प्लस है तो सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट प्लस से कम हो गया तो ये कम हो गया, मतलब कि डायरेक्टली कम होते जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेटेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, जो कि एनसीईआरटी के लाइन ही है। अगेन फिर H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है। ठीक है कि H2 मतलब प्लस 1 है तो प्लस 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है H2 प्लस आयन इज डाई मैग्नेटिक, तो यहाँ पे तो प्लस 1 आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रही है, लेकिन डाई मैग्नेटिक कैसे हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 1 है तो यहाँ पे सिंगल होना चाहिए था ना, डाई कहाँ से आएगा, इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैलोडीलिनियम हैज द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ द राइट आंसर इज हाई एक्सचेंज इंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी इंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब फिर से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे पूछा गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादा सही हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल द फाइव, अब इनकरेक्ट चूज करना है, तो ऑल द फाइव 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन द साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिट, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अगेन ऑल द फाइव 4d ऑर्बिट्स हैज शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d रेस, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगेन इन एन एटम्स ऑल द फाइव 3d ऑर्बिट्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन द फ्री स्टेट, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, बट इस ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, द शेप ऑफ दिस एंड ऑर्बिटर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द शेप ऑफ दिस इज सिमिलर इन द ईच अदर। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अंतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सिंपल सा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो सिमिलर कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ी अगर डिफरेंट होते तो सही ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, आपको मैक्सिमम वर्क डन बताना है पीवी कर्व के लिए, तो मैक्सिमम वर्क डन आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो जीरो आपको दिख रहा है, जैसे कि पहले बढ़ा फिर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको किस में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से क्या हुआ कि ये ऐसे आया और फिर सबसे ज्यादा आकर के, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आइसोथर्मल में यही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, KOH और CS है। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो कि आपको पहले से पता है ना, अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम को हम यहाँ से किस चीज़ से मिलाएंगे, यहाँ पे 3 से मिला देंगे। उसके बाद KOH को हम यहाँ पे 1 से मिला देंगे, एब्जॉर्बेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CS जो होता है वो एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। सो 2, 3, 1 and 4 इज द राइट आंसर्स। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया फिर से, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, सो द राइट आंसर इज एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लाइक केमिकल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड, दिस इज इनकरेक्ट, पॉलीसेक्राइड नहीं होता, मोनोसैकेराइड होता है। एंजाइम्स को कभी भी आप पढ़ेंगे तो मोनोसैकेराइड होता है, ना कि पॉलीसैकेराइड। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि इनकरेक्ट पूछा गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस पूछा गया इसमें क्या कह रहा है, गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया उसमें हाफ सेल रिएक्शन दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, विल बी द पारा मैग्नेट आयन एंड MnO4 नेगेटिव लेवरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
एन एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है कि इस रिएक्शन में ये परमानेंट हो गए, तो दिस इज ऑल्सो यस एंड बिकॉज द इनर्ट सेल इज इक्वल टू 0.287 वी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब डाल्टन्स लॉ जो होते हैं पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, उसके इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट नहीं है मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसमें P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री बिल्कुल सही ऑप्शन है। P इज इक्वल टू एन वन आर अपॉन टी एंड एन टू इज इक्वल टू, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ना देखिए आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री भी होता है एंड P इज इक्वल टू एन वन आर टी अपॉन बी होता है एन टू इज एन टू एंड आर टी अपॉन बी एन टी आर टी अपॉन बी। ठीक है, अगेन फिर है पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी एन वेयर पी आई इज इक्वल टू डैश। अगेन फिर यहाँ पे है पी वाई इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट, नहीं नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो पी होगा ना, नॉट कहाँ से हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पी एच ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोल सोडियम एंड एसिटेट एंड द 0.1 एम एसिटेट एसिड इज गिवन पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना ये आपको मान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब करेक्ट ऑप्शंस चूज करेंगे तो यहाँ पे 5.57 जब आप निकालेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 5.57 आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सिंपल सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड अमॉन्ग विच द फॉलोइंग इज एन द एरोमेटिक कंपाउंड। आपको एरोमेटिक कंपाउंड चूज करना है, एरोमेटिक के में क्या होता है बेंजीन बनता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये आ गया तो गलत हो गया, ये आ गया एक्स्ट्रा चीजें गलत, ये एक्स्ट्रा चीजें गलत। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मुलेट आपको जो बिल्कुल बेसिक चीजें दिख रहा है बेंजीन वो सही है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते थे लेकिन ये आने के कारण ये गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एसर्शन एंड रीजन। देखिए एसर्शन में क्या कहा जा रहा है, इन द पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड द आयनिक सॉलिड सॉलिड इज द इलेक्ट्रिकल नेचर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेचुरल इवन इफ फ्यू ऑफ द इट्स किटायन एंड मिसिंग फ्रॉम द यूनिट सेल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रीजन में क्या है, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकलिन डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ किटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टीशियल साइड एंड मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, मतलब कि दोनों के दोनों सॉरी एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट एसर्शन इज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रीजन। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशन मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वन मोलल सॉल्यूशंस दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि 0.5 मोल में कितने वहाँ पे सॉल्वेंट होंगे, तो जब हम इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका 500 ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि कितना होता है जैसे कि अगर 5 यहाँ पे नॉर्मल मोल रहता तो हम इसको 100 से क्या करते डिवाइड करते है ना, सॉरी 100 से यहाँ पे गुना 1000 से यहाँ पे गुना करते तो 5000 आ जाता, लेकिन यहाँ पे जो है 0.5 है तो 0.5 में अगर करेंगे तो यहाँ से 10 आएगा और फिर ये कट करके 500 ग्राम आएगा। ठीक है, अब आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर एम एक्स एक्स प्लस सी ओ टू, और इसका ड्राई इथर के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ बनता है और इसी प्रोडक्ट का नाम बताना है, तो आर सी एच निगेटिव एम जी प्लस एक्स बनता है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है जो कि नॉट करेक्ट पे पूछा गया है, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के फर्स्ट टाइम में ही बताया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डॉबरेन। ठीक है, तो डॉबरेन के अबाउट में आपको बताना है, देयर आर द टू थ्री सेंटर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द फोर टर्मिनल बिल्कुल सही ऑप्शन है, द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द टू बोरोन एटम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 hybridization, this is not correct, यहाँ पे sp2 hybridization नहीं हो सकता है। ठीक है, तो this is the incorrect statement। अगेन आते हैं फिर next questions पे। given below the two statement, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़ के इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन ऑफ विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो यहाँ पे राइट आंसर X2F2 हो जाएगा। ठीक है, XCF2।
अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब आपको ना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से फाइंड करना है, तो देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन आ रहा है. यहाँ पे है अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दियर हाइड्रोक्साइड. बिल्कुल सही ऑप्शन है. द ऑक्साइड नंबर ऑफ द के इन द सी के ओ टू इज +4. नहीं, +4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. दिस इज इनकरेक्ट. आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये ज़्यादा ही फॉर्म करेगा. ठीक है. अगेन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम इन द ग्रुप. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद लेंथेनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस्ड एजेंट एंड Among the alkali metals, this is correct options. ठीक है. So the incorrect statement is 2. Again आते हैं फिर next questions पे. What mass of 95% of the pure CaCO3? अब इसको जब हम convert करेंगे तो यहाँ पे CO plus CO2 में convert होता है. ठीक है. And फिर यहाँ पे कहा जा रहा है neutralize 50 ml of the 0.5 MHCl solutions according to the following reactions. अब यहाँ पे कुछ reactions दिए गए, इसके according आपको बताना है, निकालना है. तो जब निकालेंगे तो यहाँ 1.32 ग्राम आपका आंसर है. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. आपको ये ना ग्राफ देगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ 0 एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर. सो इसका राइट आंसर यहाँ 3 जाएगा. 0 ऑर्डर इज एंड फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Ag2O2HCN2 इज. सो यहाँ पे राइट आंसर पहले को सिल्वर तो होगा और साथ साथ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडेंथियम आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिग फॉली इज सुटेबल टू सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन. ठीक है. तो यहाँ पे बताना कि सुटेबली जो है वो सिंथेसाइज कैसे होता है क्लोरोबेंजीन. तो यहाँ पे बेंजीन और सेल 2 और फिर क्या होता है कि एनहाइड्रस FeCl2 होता है. मतलब Q1 इज द राइट आंसर. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एट 298 केल्विन एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ उसका स्लैश करके हमने ये सब रिएक्शंस लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना मतलब कि एक लाइन कतार से लिखा हुआ है. ठीक है. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अकर्स ड्यूरिंग. द राइट आंसर इज 4 CuSO4 एक्वस 2 Ag. अब इसका जब रिएक्शन आते हैं यहाँ पे ये फाइंड होता है. ठीक है. बाकी जो लिखा हुआ है, अब जैसे इस ऑप्शन को हमने गलत क्यों किया, क्योंकि CuSO4 है, इसका एक्वस के साथ ZnO आया, किसके साथ रिएक्शन करवा ZnSO4, तो इसके साथ मिक्सअप हो गया. लेकिन Cu जो बन रहा है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन गलत है. राइट आंसर यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टू स्टेटमेंट. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑफ ग्रुप 16-11 इंक्रीज इन द ऑर्डर. जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है. ठीक. तो H2O के बाद ये यहाँ पे ना ऑप्शन सी होता है. जैसे H2O होता है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दो मोलिक्यूल्स और यहाँ पे 18 मोलिक्यूल यहाँ पे होगा. फिर सल्फर के कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो सल्फर के जो होते हैं वो ज्यादा मोलिक्यूल्स होते हैं. H2 हम जब मिक्स करें तो यहाँ पे होगा ये ज्यादा हो जाएगा. ठीक. उसके H2 एंड मतलब कि ये ऑप्शन है, ये जो 16 एलिमेंट के जो ऑप्शन लिखे हुए ये गलत ऑप्शन है. ठीक है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. अगर दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइब्रिडाइज्ड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोलर मास. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्फाबेटिक एमिन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव द स्टेबल डाइजोनियम सल्फेट. दिस करेक्ट ऑप्शन. दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी एरोमेटिक एमिन रिएक्ट विद द H2 टू फॉर्म द डाइजोनियम सल्फेट एंड नहीं, ये तो गलत ऑप्शन हो गया. ठीक है. मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट. ठीक है. अगेन आते हैं जो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग है. आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है एंटासिड. अब एंटासिड को किस चीज से मिलाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोराइड होता है. दिस इज द राइट आंसर एजिथ्रोमाइड. अब यहाँ पे आप किसको मिलेंगे, सैल से मिला देंगे. ठीक है. राइट आंसर 3, 4, 1 हो जाएगा. मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 4, 1, 2, 1. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द कट ऑप्शन. आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ 3 हो जाएगा. डायमंड इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ग्रेफाइट SP2 हाइब्रिडाइज्ड. बिल्कुल ऑप्शन है. अब यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो SP3 हाइब्रिडाइज्ड है और ग्रेफाइट जो होता है वो SP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगेन फिर स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्सन रिजल्ट के क्वेश्चन है. ठीक है. सर्सन में कहा जा रहा है ICI इज मोर रिएक्टिव देन I2. बिल्कुल सही है. और दूसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ICI बॉन्ड इज बिगर देन द II बॉन्ड. बिल्कुल सही ऑप्शन. ICL बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मल बॉन्ड होता है, II बॉन्ड के कंपेयर देखा. तो अगर आपको क्वेश्चन 2024 में नहीं लगेंगे तो आप वहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए तो इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं एज अ
मतलब कि कंपेयर किया जाए तो ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैटरी ऑफ द, अब यहाँ पे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है तो एन वन रिएक्शन यील्ड वन रेशियो वन मिक्सचर ऑफ बोथ एंटीमोनी, दिस इज आल्ट्रिक। उसके बाद फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एसएन2 रिएक्शंस ऑफ द हैलोजन्स हेलो गिवन चायरिटी ऑफ द रिएक्टिव साइड सो द इनवर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन फिर क्या है, एंटीमोनीज आर सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज ईच अदर्स, दिस इज सुपर इंपॉसिबल नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है। इसलिए थ्री राइट आंसर्स। अगेन फिर यहां पे मैचिंग पूछा गया है, जैसे कि MgH2, अब MgH2 को हम किस चीज से मिलाएंगे, तो ये एक आईडी होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन GeH4 को हम यहां पे इलेक्ट्रॉन डिसाइस मिला देंगे, फिर यहां पे Be6 है जिसको हम यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से मिला देंगे, लास्ट हमारा बचता है HF को हम इलेक्ट्रॉन रिच से मिला देंगे, मतलब राइट आंसर 4, 1, 3 इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आपको बताया कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट चूज करना है पॉलीमर्स के रिगार्डिंग ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या चीज, इलास्टोमर्स है पॉलीमर चैन हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर फाइबर पॉसिबल हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपेली सॉफ्टनिंग एंड ऑफ द कूलिंग, दिस इज हीटिंग कूलिंग का काम करने का काम करता है ठीक है। मतलब कि ये सब जो ऑप्शन है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। अगेन क्या है, थर्मोसेटिक पॉलीमर आर रीयूजेबल, तो रीयूजेबल जो नहीं हो सकता, रीयूजेबल ऐसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, जो भी थर्मल पॉलीमर्स होते हैं जिसको हमने बना रखा है उसका द्वारा यूज तो नहीं किया जा सकता ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि द एसिडिक स्टेट ऑफ द मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोनॉल एंड द हायर द फिनॉल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट है ओ नाइट्रोफिन एंड इसको की जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे फेलोनिक रिंग लिखा हुआ है इसमें होता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट टू एंड फर्स्ट एंड टू बोथ आर द फर्स्ट इज करेक्ट पर सेकंड इज इनकरेक्ट ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन ब्लोरी टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन कॉगुलेशंस ऑफ नेटिव सोल एंड द फैसिलिटिंग पार्ट ऑफ द थ्री गिवन आयन इन द ऑर्डर, सो यहाँ पे जो ऑर्डर दिए गए करेक्शन है। दूसरा स्टेटमेंट ये जो ऑर्डर दिया गया है इसमें आप सकते हैं पॉसिबल सो तो है ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नेगेटिव सोल के बारे में पूछा जाता था तो ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सोल से पूछा जा रहा है ना, तो पॉजिटिव से लिए जो रेशियो है आपका इस साइड में होना चाहिए था, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म्ड और कार्बोनाइल के कंपेरिजन क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे HCN से मिला देंगे, अगेन फिर SCR जिसको हम एल्कोहल से मिला देंगे, एसिटाइल जो होता है वो प्रोडक्ट का एल्कोहल होता है, फिर ऑक्सीम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे NH2OH से मिला देंगे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द एक्यूरेट मेथड ऑफ द एस्टिमेटेड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू द एस्टिमेट एंड अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इज विच ऑफ द फोर कंपाउंड्स, द राइट आंसर इज 3 ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कि अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, सेक्शन बी वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब तक हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब हमारे 15 क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें से 8 एग्जाम आप सेक्शन बी 10 ही क्वेश्चन ना होता है 15 क्वेश्चन से ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द न्यूट्रल और फ्रैंकलिन एक्लिन मेथड मीडियम KMNO4 एंड ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड इनटू द आयोडाइड ठीक है। उसके बाद फिर द चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द रिएक्शंस इज फॉर्म, द राइट आंसर इज +4 and +7 ठीक है, +7 लेकर के +4 तक, मतलब कि ये बैक साइड जाता है, यहाँ पे +6 है तो गलत हो गया, +4 से +3 गलत हो गया, 3 नहीं 4 होना चाहिए था, 6 गलत ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन क्वेश्चन में क्या कहा जाए, फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए हैं इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको E0 सेल के कंपैरिजन में आपको ये वाला मतलब कि 10.5 वोल्ट दिया गया है, फिर ऐसे करके इन्होंने सजा दिया ठीक है। अब आपको जो भी ऑप्शन है ना ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट, मतलब E0 ऑफ दिस होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप पॉजिटिव लेके ही चलिए ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपाउंड एक्ट्स ऑन द रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZN एंड H2 गिव्स द formaldehyde and 2 methyl propanol as the product and the compound X is 3 methyl and 1 E ठीक है, मतलब इज द राइट आंसर ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए ओके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि दी रिएक्शंस एट 200 मतलब कि आपको इस चीज के अकॉर्डिंग सजाना है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे आप जो रिएक्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ M3 मतलब आपको O3 का ओजोन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या 4.38 × 10⁻²⁻¹. अगेन फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन द व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद द O2 सॉरी एक्ट विद द 2 प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय द हीटिंग, सो यहां पे राइट आंसर ठीक है, यहां पे राइट आंसर होने वाला है 2 होने वाला है ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन हमारा ठीक है।
ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर है द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको ना आईपीएससी के करेक्ट नेम बताने थे। तो हम यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोई रेफरेंस रहता है तो हम देखते कि यहाँ से मतलब की स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे बीआर है, तो बीआर से अब बीआर हम ब्रोमो लेते हैं, मतलब वन ब्रोमो। अब वन ब्रोमो वाले एक दिख रहा है यहाँ पे सिक्स ब्रोमो, तो ये पहले ही गलत हो गया। वन ब्रोमो ये सही है, सिक्स ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों में से अब हम निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव पे क्या है यहाँ पे क्लोरो, तो फाइव पे क्लोरो, हाँ ठीक है क्लोरो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फोर मिथाइल, फोर मिथाइल क्लोरो लिया, फोर मिथाइल, ये भी सही बात है। उसके बाद फिर क्या चीज़ के लिया गया है, फाइव क्लोरोहेक्सेन, फाइव क्लोरोहेक्सेन, नहीं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो क्लोरो होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ फाइव हेक्सेन, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर यहाँ पे होना जाएगा वन ब्रोमो फाइव क्लोरो फोर मिथाइल हेक्सेन एंड थ्री ऑल, ठीक है। अगेन आई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना क्या करना है एग्जाम के इंटरनली आपको वैसे चीज फाइंड करने हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, करेक्ट तो अपने आप ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर्ड ऑर्ड ऑफ द एच प्लस आयंस इज 105.8 पीएम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड ऑर्बिट ऑफ एल आई टू प्लस आयन, सो द राइट आंसर इज 158.7 पीएम, ओके। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे कि सबसे पहले आपको इसको मतलब कि बताना कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पे ये होगा सबसे पहले सी, उसके बाद सी के बाद आपको ए हो जाएगा, ठीक है, ए का फिर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि आंसर यहाँ पे थ्री होगा, ठीक है। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल एंड विद सेल इज लेंथ ऑफ 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज, द राइट आंसर इज 63.1 क्यूब। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10.0L फ्लैश कंटेन द 64 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको निकालना क्या है, द पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ द साइड ऑफ फ्लक्स, द राइट आंसर इज 4.9 की आप कैलकुलेट करके निकाल सकते, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि हेमाटाइट, तो हेमाटाइट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, F3 हेमाटाइट, कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो आयरन के पिगमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, तो आयरन के भी कौन से, तो टू वाले, मतलब F2O3 वाले, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का हम यहाँ पे जैसे हेमाटाइट मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन के अयस्क होते हैं, ठीक है। सो हेमाटाइट F3O3 से मिला देंगे और मैग्नेटाइट का F3O4 से मिला देंगे। उसके बाद कैलामाइन हम किस चीज़ से मिलाएंगे, कैलामाइन को हम जेन CO3 से मिलाएंगे और कैलो सॉरी इसको हम यहाँ 4 से मिला देंगे, मतलब 3, 2 and 4 इज राइट आंसर, टू द राइट आंसर। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर के एक्सचेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर मैटर, ये भी कुछ सही है, ओजोन दिस इज आल्सो करेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि वन बी एंड ए बी एंड डी इज द राइट आंसर्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन चूज है, ए बी एंड डी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप फॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के साथ सीएन लगा हुआ है और फिर इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीएन होंगे ना, वो चेंज हो जाएंगे, मतलब बेंजीन तो रहेगा साथ साथ सीएन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको LiAlH4 है और H2 है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिएक्शन और फिर से रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ए एंड द प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 m एंड इट बिकम 0.01001 m आफ्टर द 5 मिनट्स, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस ऑफ मतलब कि 1/मीटर इज, ठीक है। तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो 0.9212 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस स्टेट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि फर्स्ट स्टेट में कहा जा रहा है, इन ल्यूकस टेस्ट, मतलब जिसका नाम होता है ल्यूकस टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंक्ट ऑन द, मतलब ये डिफरेंट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव विद द कंसंट्रेशन HCl ZCl2 इज नोन एज द रिएक्शन, ब्लू सेक्शन है, ठीक है। अगेन फिर दूसरा स्टेटमेंट है, प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी हाइड्रो टेम्परेचर ऑन द रिएक्शंस विद ल्यूकास रेजिन, नहीं ल्यूकास रेजिन से नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमारे निर्धारित इसके क्वेश्चन अगले वीडियोस में फॉर्म गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अपने बायोलॉजी वाले सेशंस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को फटाफट देख लिए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, अब ये अच्छा हो या फिर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपके जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस होंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे, वो आपको फटाफट से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत थैंक यू।
फाइनली हमने नीट 2021 और नीट 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया है। अब हम लास्ट पेपर नीट 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक-एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन इन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज, द राइट आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या चीज़, इन लोजेन एक्सट्रैक्ट्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद F3+, मतलब कि ये जो F3 है मतलब आयरन है, इसके तीन कंपोनेंट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे FeSCN+2, ठीक है, इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशंस बिटवीन NM एंड NM का मतलब होता है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एजिथ्रो क्वांटम नंबर, ठीक है, एजोमेथ्रियल क्वांटम नंबर। तो इसका आपको फॉर्मूला बताना है, मतलब I का क्या फॉर्मूला होगा, तो I का फॉर्मूला यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है। I का फॉर्मूला होता है NM-1/T, क्योंकि NM तो आपको दिया गया है और माइनस वन करके अपॉन में T लगाते हैं, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजीनस एंड डिहाइड्रोजीनस टू फॉर्म एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब कि वो आयरन में फाइनली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए आपको करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस ग्राफ को नहीं देखना, जैसे इस ग्राफ में इंटरनली में सबसे ऊपर में T3 है, तो T3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे ऊपर है इसके कारण, और सबसे बीच में जो आपको दिख रहा है वो T3 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, मतलब कि ये जो है ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है उससे, और ये सबसे छोटा हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इस ग्राफ में ये जो T3 है वो नीचे की साइड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर इस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है, जैसे V1, V2 और V3 के कंपेयर में आपको बताना है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे पहले होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन V1 को सबसे छोटा बताया जा रहा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें T1 जो है वो सबसे ऊपर में है यहाँ पे, ठीक है। अब T1 सबसे ऊपर में है, तो ये क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T3 को सबसे बड़ा कहा गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि अगर आपको पहले से ही पता होगा, आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको पता ही होगा कि नीट के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाना आपको काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, द गिवन कंपाउंड, अब यहाँ पे ना एक कंपाउंड दिया गया, अब इस कंपाउंड को बताना है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी, तो यहाँ पे ये जो आपको रिएक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे फिर HBr हो गया और फिर प्रोडक्ट बना, तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो किस इस प्रकार होगा, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल, अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन, आप देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है लेकिन आपको भारी लग रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे असर्शन में कह रहा है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन ड्राइविंग यहाँ पे अपर्टस, तो ये तो है बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बिल्कुल सही है कि हीलियम का यूज़ किया जाता है डाइल्यूट ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। अगेन फिर रीजन, अब रीजन क्या कह रहा है, हीलियम हैज़ हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ, नहीं हाईली सॉल्युबिलिटी कैसे हो सकता है इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हीलियम जो होगा वो हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम जो होता है उसका डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है लेकिन वो हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, क्या कहा जा रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंट्रीमोलर सॉल्यूशंस ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके।
अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद फिर इज 0.0210 ओम इनवर्स, मतलब कि 1/ ओम हो गया, एंड सेंटीमीटर इनवर्स मतलब 1/cm, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25°C इज 60 ओम। ओके, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल सेल कॉन्स्टेंट, तो आपको बताना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, 2 इज द राइट आंसर, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके कारण हम आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पैरामिड रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए, पैरामिडीन का जब आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो होगा वो पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे और पाई बॉन्ड कम होंगे। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपका टोटल 11 होगा, पाई बॉन्ड टोटल 3 होगा, और यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है लोन पेयर, तो लोन पेयर आपको एक लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल। अब एसर्शन रीजन फिर से यहाँ पे पूछ दिया गया, आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं, नीट 2021 से, नीट 2022 से और नीट 2023 से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे एसर्शन कह रहा है, मेटैलिक सोडियम डिजॉल्व इन द लिक्विड एमोनिया गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच इज पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कहा जा रही है, ठीक है। अगेन फिर रीजन क्या है, द डीप ब्लू सॉल्यूशंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया, मतलब कि एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो द राइट आंसर इज एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोवाइडेड बाई हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 14। ओके, अब यहाँ तो हमें दे दिया गया है कि एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो 40 है, ये आपको पहले से भी पता था, बट अब इस मतलब कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लाना है, ठीक है, मतलब राइट आंसर लाना है। तो CaCO3 का जब हमने रिएक्शन करवाया 1200 यहाँ पे 1200 केल्विन के साथ, तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके इंटरनली आपको अब ये बताना है कि जब हीटिंग पीरियड 22 ग्राम है किस चीज़ में, 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन में, तो वहाँ पे आपको 1.76 ग्राम प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे लाइफ स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर लाइमस्टोन जो होगा वो कितना होगा, 1.76 ग्राम। ओके, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंट्रैक्टिंग पार्टिकुलर दैट विल इंक्लूड। द राइट आंसर इज बी, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ना बताना है कि कौन से मतलब कि मैचिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकता है किस चीज़ के इंटरनली, जब भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स आ रहे हैं या फिर कोई भी फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है फिर रिपल्सन हो रहा है, तो उसके इंटरनली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। अगेन डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल सही है, मतलब कि ABD&E इज द राइट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ABC&D इज करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, द रेट इज इक्वल टू के एंड के मतलब कि यहाँ पे कंपेयर में स्क्वायर दे दिया और बी दे दिया गया, ठीक है। व्हेन द इनिशियल कंसर्न ऑफ ए इज कीपिंग कंसर्न ऑफ बी कांस्टेंट, द इनिशियल रेट वी इज राइट आंसर इंक्रीज फैक्टर ऑफ 9। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट लेसन, द राइट आंसर इज 3, TII इज ग्रेटर देन TII3। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्या मतलब नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसका हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है किसी भी स्टडी के रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, अगेन फिर हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, बिल्कुल सही, सैचुरेट करने के लिए और फैट ऑयल्स करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगेन द एच बॉन्ड डिसोसिएशन इन हाइड्रोजन ग्लोबेशन, गलत बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन अच्छा, एंड फिर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्सीडाइज टू मेटल दैट मोर एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो नॉट पूछा था प्योर ई हो जाएगा, ठीक है, प्योर इज नॉट करेक्ट। अगर आते हैं क्वेश्चन पे, वेट जो कि ग्राम दिया गया ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग सोडियम इथेनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सो द राइट आंसर इज 32। ओके,
सेकंड फिक्स्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे ना रिएक्शन क्वेश्चन है और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ना रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको बेंजीन दिया गया और फिर यहाँ पे CHCN से रिएक्शन करा और यहाँ पे इस क्रियन बना, ठीक है। फिर आपको फिर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में हीट दिया गया और फिर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका भी प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले तो बेंजीन बनेगा और बेंजीन के साथ साथ COOH का फॉर्मिंग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 3। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि सरसन रीजन है, यहाँ पे सरसन कहा जा रहा है इन इक्वेशन डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। वैल्यू ऑफ द जी एफ आर इज डिपेंड ऑन द एन बिलू, यहाँ पे सही ऑप्शन जा रही, ठीक है, क्योंकि आंसर चला है। अगेन फिर रीजन में कहा जा रहा है ई सेल इज एन द इनएक्टिव प्रोसेस जी इज द, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब सरसन जाना करेक्ट, ये दोनों है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको लिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दोनों सरसन रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये दोनों भी एक प्रकार के एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से पूछे जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ सरसन रीजन आर टू, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मतलब ये फोर्थ इज राइट आंसर। अगेन फिर क्वेश्चन है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पेस इज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन आफ्टर मोस्ट सेल Na3 BCl2 CCl4 TCl5, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर दिख जाएगा, ठीक है, जब भी आप इसको करेंगे तो आपका राइट आंसर दिख जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आसान है, करेक्ट ऑर्डर को बताना है इंजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ एन मॉलिक्यूल, ऑफ एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है कि एक सिग्मा मतलब कि सिग्मा 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है कि उससे ज्यादा फिर पाई 2px हो जाता है, फिर वो इक्वल हो जाता है किसके, तो यहाँ पे इक्वली कोई नहीं है, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे थोड़ी हुआ, सबसे हमको पाई टू, जब भी इक्वलेशन का बात आएगा तो पाई टू एक्स इज इक्वल टू द टू पी वाई, ठीक है, मतलब कि टू पी वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे जैसे कि देखा जाए कि ये जो चीज की गई है इसके पहले ये वाला फॉर्मेशन आता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर यहाँ पे इक्वलिसी यहाँ रहा है जो कि यहाँ होना चाहिए, तो भी गलत ऑप्शन, अगेन फिर सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा 2s फिर ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s इज ग्रेटर देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज ग्रेटर देन 2p सॉरी सिग्मा 2p ग्रेटर देन इक्वल द पाई लगा के मतलब स्टार आगे, तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जो कि एन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट इस फॉर्म, मतलब कितना सारा ऑप्शन आप लिखना, आपको यहाँ पे सिर्फ इस वाले सिंपल फॉर्म को पढ़ना है AXY देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y का ऑप्शन, राइट आंसर इज 5, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सॉलिडिटी ऑफ Cu प्लस इज मोर देन Cu प्लस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशंस ड्यू टू, द राइट आंसर इज 2 हाइड्रेशन एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, अब यहाँ पे भी आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एन प्लस एंड सी एल माइनस की रिएक्शन दिए गए हैं जिसके इंटरनल ये बेंजीन है और यहाँ पे इस चीज के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन सिंगल बनता है, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड है और यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या किया था कि नीट एग्जाम को थोड़ा हार्ड आया था, देखिए ए फॉर्मड बाय द अचीवमेंट ऑफ अ बेस ऑफ 1 डैश पोजीशंस ऑफ द सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोलस, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अगेन स्टेटमेंट 2 में न्यूक्लियोसाइड लिंक टू फास्फोरस 8 एट डैश पोजीशंस ऑफ सुगर मोइड बाय द बिग न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा, ये भी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शंस नहीं है क्योंकि हम न्यूक्लियोसाइड ना कि न्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको यहां पे कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। तो फर्स्टली जो भी ऑप्शंस दिए हैं जैसे ऑल एम इलस्ट्रेटेड दैट इज फास्फोरस ट्रांसफर ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, द डेली रिक्वायर्ड ऑफ एमजी एंड सीए एनडी इज एस्टीमेटेड टू बी 0.2 माइनस 0.3 ग्राम, ओके। अभी फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट, अब यहां पे आपको ना मतलब नॉट करेक्ट बताएं, जैसे कि यहां पे करेक्ट ऑप्शंस लिखे गए हैं जिसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो जैसे कि CH3Cl जो है इसका हम LiH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एक इक्वालिटी होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगेन यहां पे फिर है CH3NC, अब NC का कोई रिएक्शन नहीं बनता, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो टू इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अब यहां पे जो भी जैसे कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म करना है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट रिएक्शंस को देखना है, जैसे कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ए साथ साथ मतलब कि किसी रिएक्शन के साथ साथ H2 कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे H2 भी बनेगा और साथ रिएक्शन भी बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी जैसे कि यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है तो पहले ही लग चुका है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये जो लगा हुआ है भी गलत हो गया, यहाँ पे ये जो लगा ये भी गलत हो गया, सिंपल सा मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2H2O जो है वो लास्ट में बन चुका है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, ओके, तो आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, जैसे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपको, जैसे कि कोक है तो कोक हम यहाँ पे इससे मिला देंगे यूज्ड एज द रिड्यूस्ड एजेंट, मतलब कि 3 आंसर। अगेन फिर डायमंड का यहाँ पे किससे मिलाएंगे, कार्बन एटम आर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि 1, ओके बाद उसके बाद फिर फ्लोरेंस, अब यहाँ पे फ्लोरेंस को हम किस चीज लाएंगे, फोर्थ मिला देंगे, मतलब कि कोक लाइक अ मॉलिक्यूल, मतलब कि फोर्थ इज द राइट आंसर। एंड ग्रेफाइट, लास्ट हमारा ग्रेफाइट बच जाता है, ग्रेफाइट को हम लास्ट से मिला देंगे यहाँ पे, टू इज द राइट आंसर, यूज्ड एज द डाई लुब्रिकेंट, मतलब कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4th एंड 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट,
दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द गिव ऑप्शंस अगर पे ना काफी ज्यादा ऑप्शंस लिखे गए जिसमें आप क्या चूज करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एक्ट एज द लेविस एसिड यहां पे लेविस एसिड अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है तो यहां पे 2 इज द राइट आंसर BF3 इज द राइट आंसर जो कि लेविस एसिड का एक एग्जांपल हो जाएगा ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे जो ऑप्शंस है जैसे कि कहा जाए अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन अ पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट नो फ्रेंड्स तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा H2C इज डबल बॉन्ड एंड C के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ Cl ऐड और सिंगल बॉन्ड CH होता है और फिर डबल बॉन्ड से CH2 ऐड हो जाएगा ठीक राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सम सम यहां पे क्या चीज कहा जा रहा है जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब क्वेश्चंस कहा जा रहा है सम ट्रांसक्रिप्टर आर लिसेंस बिलोंग एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द वर्नल ठीक है तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्नल वर्नल इज द राइट आंसर ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज ठीक तो यहां पे जैसे कि आपको बताना है जैसे चूज करना कि होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसे कॉल आएंगे ठीक है जैसे कि यहां पे है एन प्लैटिनम तो प्लैटिनम इज द राइट आंसर ठीक है लेकिन ये हेट्रो के लिए होता है होमो के लिए ड्रॉप नहीं हो सकता अगेन फिर क्लोराइड और क्लोराइड इन दोनों को तो हटा ही दीजिए एंड फिर नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम ट्राइक्लोरो इज द थर्ड तो दिस इज द राइट आंसर अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसर्शन रीजन के अब एसर्शन कहा जा रहा है द रिएक्शन क्या है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल ऑप्शन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता ठीक दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट जो भी रिएक्शन होते हैं उसके इंटरनली जीरो एक्टिवेशन तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसके इंटरनली बन बनेगा तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया अगेन फिर यहाँ पे मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द 1000 वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल सही है ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखे गए हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है तो यहाँ एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट है तो एसर्शन इज फॉल्स इज ट्रू इज द राइट आंसर अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जैसे कि जो भी ऑप्शन है उसे को ठीक है जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जा रहा है एटम और सारे एलिमेंट के लिए तो सारे एलिमेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हो सकते इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा ठीक है उसके बाद द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1093 उसके बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यू है तो वैल्यू है वही ऑप्शन है अगेन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं हो सकता ये गलत ऑप्शन है और हमारा डी ऑप्शन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड बाय द एटम्स एज अल्टीमेट पार्टिकुलर ऑफ द मैटर दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन मतलब यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा बी सी एंड ई तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था बी सी एंड ई इज द राइट आंसर ठीक है अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब तक हमने स्टिक सेशन ए वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है लाइक 35 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया अब हम 86 से करके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे सेक्शन डी वाले पार्ट में ठीक है अब यहाँ पे सेक्शन डी वाला जो पार्ट है उसमें मैच आ जा रहा है लिस्ट टू को मैच करना है जैसे कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर है और दूसरा बॉन्ड है ठीक है आपको बताना है कि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है तो डाई सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका हम किसी से मिक्सअप करेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थ्री हो जाएगा 2SOH+S OH एंड वन जो होते हैं वो एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एस का ठीक है तो यहाँ पे राइट आंसर थ्री हो जाएगा मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2 ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंस करना ठीक है रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है द कोफिशिएंट ए बी एंड आर द फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 8 इज द राइट आंसर ठीक है अगर आप एक ही जगह पे जैसे कि यहाँ पे जो ए है एक जगह पे यहाँ पे आप 1 करेंगे ठीक है और बी जगह पे अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं उसी की जगह पे आप 8 करते हैं तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्या होंगे बैलेंस हो जाएंगे ठीक है आप करके इसको देख सकते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे What fractions of one is center of hetal voids and lies in one unit cell of FCC के FCC के according को बताएं इसका right answer is 1/4 होता है ठीक है अगेन आते फर्स्ट क्वेश्चन पे identify the final product है ना ये हो गया अगेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा रीजंस लिखा हुआ है ठीक है अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा ठीक है तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका जब हम रिएक्शन करते हैं जो प्रोडक्ट बनता है और फिर उसका रिएक्शन करवा देते तो बी प्रोडक्ट बनता है बी का जब हम HBr के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो सी प्रोडक्ट बनता है और सी प्रोडक्ट का जब हम इस बेंजीनिक मतलब कि ड्राई इथर साथ रिएक्शन करवा देते तो कोई डी प्रोडक्ट बनता है वो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फाइनली रूप से आपको यहाँ पे मतलब उस रिएक्शन सीक्वेंस बताने हैं तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा है ना आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल ठीक है आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताने हैं मोस्ट स्टेबली कौन से हैं तो यहाँ पे 2 इज राइट आंसर CO Cl2 और जो होते हैं मतलब कि उसका जो रिएक्शन एन के साथ 2 ले और NO3 का जब हम करें तो ये होगा ये प्रकार के मोस्ट स्टेबली आपको ये जो ऑप्शन सबसे स्टेबल 2 होगा ठीक है अगेन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेशन अंडर डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन ठीक है यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा H3C अब हम इसको हम मतलब कि मैचिंग करें जैसे कि H हो गया नीचे और H हो गया और फिर यहाँ पे OH है तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है द ट्रेंड डिफिशियंसी व्हाट कॉज लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस था अगेन स्टेटमेंट 2 है यूट्रोफिकेशन लीड टू द डिक्रीज हां यहां पे जो कहा जा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है और लेवल जो होते हैं ऑक्सीजन के वो क्या हो जाते हैं डिक्रीज होते हैं इन द वाटर बॉडी दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज इनकरेक्ट साइन इज करेक्ट ठीक है अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द रिएक्शंस डज नॉट टेक इन द ब्लास्ट यहां पे फ्रीक्वेंसी बिटवीन 900 के टू 15 मतलब 1500 के टेंपरेचर रेंज विद द एक्सटेक्स ऑफ हिडन इज द आंसर इज 4 Fe2O3+ Cu अब जब इसका
हम कन्वर्टिंग करेंगे इसको जब हम तोड़ेंगे, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 FeO और Cu में कट होगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 94 नंबर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन के पॉइंट राइट होगा 2 होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, आगे के वीडियो में हम फिर से कोर्स करेंगे, तो मिलता है वीडियो में, तक के थैंक। तो फाइनली हमने नीट 2023 का पेपर, नीट 2022 का पेपर और नीट 2021 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। इस सारे वीडियोस में आपने देखा कि हमने केमिस्ट्री के वाले पार्ट को कवर किया, ठीक है। इसके अगले वीडियोस में हम फिजिक्स के तीनों सेशंस के वीडियोस एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और नोटिफिकेशन आपके लिए है कि हमने बायोलॉजी वाले सेशंस को कवर कर लिया है, अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक लिंक मिलेगा, एक वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और उस ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो टोटली फाइनली आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नीट 2024 में इन्हीं रिसेंटली पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। तो मिलता है फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।